और अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। बरसों इंतजार के बाद श्री राम लला राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके लिए 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गया है। 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया। पहले इस रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर भ्रमण कराने का प्लान था, लेकिन मूर्ति का वजन होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्री रामलला की मूर्ति की है, जब उनको मंदिर में प्रवेश कराया गया। दूसरी तस्वीर अयोध्या के महिलाओं के कलश यात्रा की है। तीसरी तस्वीर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर की है, जहाँ श्री राम जन्मभूमि को लेकर जश्न का आयोजन किया गया। चौथी तस्वीर देहरादून के घंटाघर की है, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। पांचवी तस्वीर मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क की है, जिसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर डेकोरेट किया गया है। छठी तस्वीर की बात करते हैं, जो सूरत की है, जहाँ राम उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। कुछ ही दिन का वक्त बचा है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 22 जनवरी का दिन जो है वो तय की गई है। और बता दें आपको कि ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से निकल के सामने आ रही, जिसमें उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से हर एक राज्य में लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और 22 जनवरी की तैयारी जो है वो हर जगह की जा रही है। अभिनव आनंद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, तारीख बेहद नजदीक है, क्या कुछ तैयारी, क्या आप तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल छोटी बता दूं आपको कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है उसमें भगवान राम को विराजमान किया जाएगा। आपको बता दूं जो तारीख है बिल्कुल नजदीक है। तो एक्चुअली क्या है की जो भी प्रशासन है, जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, या भाजपा के पदाधिकारी रहे हों, बड़े शीर्ष नेतृत्व कर रहे हों, या ट्रस्ट के पदाधिकारी गण हो, तो सभी बिल्कुल एकदम चैतन्य अवस्था बिल्कुल अब दिखाई पड़े, एकदम पूरा एकदम दिखाई पड़ रहा है एकदम। और आपको बता दूं कि जो लता मंगेशकर चौक से कुल पे सुरक्षा कर्मी के साथ साथ आपको बता यूपी एटीएस के कमांडो भी बिल्कुल खड़े मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी दुल्हन की भात सजाई गई है, पूरी अयोध्या को बिल्कुल रंग रोहन किया गया, रंगोली के बाकायदे जो कार्यक्रम है वो सड़कों पर बनाए जा रहे हैं। भगवान राम की जो कलाकृतियां हैं बाकायदा दीवारों पर बनाई जा रही है। भगवान राम के जो रामायण कालीन में भगवान राम के बचपन से लेके भगवान राम के गुप्त होने तक का जो भी चित्रण रहा है सभी उकेरे जा रहे हैं दीवारों पर। जी ये बताइए कि कहां कहां से क्या क्या चीजें आने वाली है और कितने दिन और लगेंगे इन चीजों को पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो भी तैयारियां हैं बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। चंद दिन ही बचे हैं, मात्र कुछ दिन ही बचे हैं कि जब भगवान राम विराजमान होंगे। और अब जो पूरे देश, भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी लोग हैं उनकी जो निगाहें हैं बिल्कुल अटकी हुई है कि भगवान राम का जो भव्य दिव्य मंदिर हो बन रहा है उसमें भगवान राम कब विराजमान होंगे, कैसे विराजमान होंगे, कौन करेगा, कितने वैदिक ब्राह्मण होंगे, इन तमाम ऐसे जो भी जानकारियां हैं तमाम अपडेट आपको इंडिया वाइज अपने दर्शकों को देता रहा है। आपको बता दूं कि 22 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री भगवान राम को उनके गर्भगृह में विराजमान करेंगे। आज क्या कुछ खास होने जा रहा है मंदिर परिसर में? चूंकि अगर पिछले दिन की बात की जाए तो पूरे मंदिर परिसर में रामलला के बाल स्वरूप वाली मूर्ति को घुमाया गया था, आज क्या कुछ विशेष? जी बिल्कुल बता दूं कि जैसा पहले ही बता दिया गया है कि सूर्य उत्तरायण के बाद अयोध्या समेत समूचे भारत में अनुष्ठानों का जो दौर है बिल्कुल शुरू हो गया है। कल ही भगवान राम की जो अचल मूर्ति है उसको भगवान राम जन्मभूमि के सत्तर में घुमाई गई। चूंकि अब जो उनके जो मुख्य मूर्ति है वो इतनी ज्यादा वजन में है कि चूंकि उसको घुमा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा
चांदी के जो भगवान राम की मूर्ति है उसको मंदिर परिसर में घुमाया गया है। आपको बता दूं कि सबसे पहले उसके घुमाने के पहले ही तत्पश्चात पहले मासरियों की जो मासरियों जी की जल उससे जल से पूरे परिसर को धुला गया है, उसके बाद भगवान राम को अचल मूर्ति को वहां पे रखी गई है। जी क्या कुछ और तैयारियां चल रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम, कितने सैनिकों को तैनात किया गया है, कि कितने पुलिसकर्मी मैदान में हैं? बिल्कुल आपको बता दूं कि इस इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन के तमाम आपको बता दूं कि जो भी शीर्ष नेतृत्व कर रहे पदाधिकारीगण हो, वो चाहे वो ट्रस्ट के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी बिल्कुल सजग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग भारी से भारी संख्या में जो यूपीएटीएस के कमांडो हैं अपने जिम्मेदारियों को अपने बाखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन में जो भी यहाँ के जो एलआईयू जो लोकल यूनिट हुआ, डॉग स्क्वाड हुआ, रोमी एंटी स्क्वाड हो गया, तमाम ऐसे स्क्वाड अयोध्या में लगभग बिल्कुल तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। सरयू घाट पर दिए भी जलाए गए, कितनी संख्या में दिए जलाए गए हैं और आने वाली 22 तारीख तक क्या ये दिए जलाए जाएंगे? जी बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि जब हालांकि अब की इस बार भी दीपोत्सव की जो छठा संस्करण रहा है इसमें लगभग 21 लाख दियों को जलाया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं ये एक भव्य कार्यक्रम है, दिव्य कार्यक्रम है कि जब भगवान राम अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान होंगे, ऐसे में अयोध्या की जो जनता है अभी तो जो भी सनातनी पूरे देश विदेश में रहे हैं सभी जो भी अपनी तरह से राम उत्सव को मना रहे हैं, ऐसे में अयोध्या के जो लोग हैं या जो बाहर से आए हुए लोग जो राम भक्त है वो शाम को प्रतिदिन एक दिन की बात ही नहीं अभी तो डेली की बात मैं आपको बता दूं कि डेली लगभग लगभग 1 लाख दियों से लेकर लगभग 2 लाख 2.5 लाख दिए मासरियों के तट पर जलाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तैयारियां काफी तेज हो चुकी है और ऐसे में बात की जाए तो कब से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से होगी 22 तारीख को, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि जैसा कि 30 दिसंबर को अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी राम भक्त हैं वो भी 22 तारीख को बिल्कुल अयोध्या आए, अपने घर पर ही दीप जलाएं, ऐसा उन्होंने इतना स्लोगन दिया था, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था। और साथ ही आपको बताऊं कि 19 तारीख से पूरे अयोध्या की जो सीमाएं होंगी बिल्कुल सील कर दी जाएगी, उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जो अयोध्या के मूल निवासी होंगे, उनका आधार कार्ड देख के उनको अयोध्या में उनके एंट्री होगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 19 तारीख से जो सेवाएं होंगी बिल्कुल अब बाध्य कर दी जाएंगी और जो जिनके जिनके पास निमंत्रण का आमंत्रण कार्ड होगा उनको और बाकायदा उन्हीं को मिलेगा प्रवेश। जी लता मंगेशकर चौक पे क्या कुछ हो रहा है, क्या वहां पे हर दिन गीत संगीत बताए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि पूरे अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है, जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे, जगह जगह अनुष्ठान हो रहा है, जगह जगह रामलीला का मंचन किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और जगह जगह पर लोग अपनी तरह से राम उत्सव को मना रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो मेन एंट्री पॉइंट है लता मंगेशकर चौक, वहां पे लगभग हमेशा एक दिन की बात ही नहीं, जब से राम उत्सव की बातें शुरू हुई हैं तब से वहां पर लगातार राम भक्तों का आना जाना बिल्कुल बिल्कुल लगा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दी वहां पर ये अब हालांकि वो राम लता मंगेशकर चौक अब सेल्फी पॉइंट बन गया, लोग अपने अपनी फोटो वहां खिंचवाते हैं और जगह जगह पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर लगाते हैं। जी तो 22 तारीख को लेकर कोई नई जानकारी की क्या कुछ खास इंतजाम और किए जा रहे हैं अभिनव? जी बिल्कुल बता दूं कि जो भी तैयारियां हैं बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं, अब जो भी खास इंतजाम होंगे वो जब देश के प्रधानमंत्री 22 तारीख को, हालांकि ऐसा सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे, और चूंकि मासरियों की अव्रैल धारा में डुबकी भी लगाएंगे, डुबकी के साथ ही आपको बता दूं कि 22 तारीख को सबसे पहले जब वो 21 तारीख को पहुंचेंगे और सुबह जब माँ सरयू की अव्रैल धारा में डुबकी लगाएंगे, आपको बता दें माँ सरयू को मोक्ष दायिनी भी कहा गया है, ऐसा पौराणिक मान्यता है, तो उसमें भगवान राम भगवान देश के प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जाकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होंगे और अपने हाथों से भगवान राम को उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। जानकारी तो ये भी आ रही है अभिनव कि बिहार की सीतामढ़ी से भी काफी उपहार आए हैं राम जी के लिए।
जी बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि बिहार के सीतामढ़ी ने अभी तो पूरे भारत से अयोध्या में जगह जगह से बिल्कुल वस्तु आई है, लोग अपने अपनी आहुति दे रहे हैं। आपको बता दूं, इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले भगवान राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ से चावल आए हैं, बिल्कुल लगभग 70 से 80 ट्रक बिल्कुल चावल लाए पहुंचाए गए हैं। साथ ही साथ बता दें, माँ सीता के मायके से माँ सीता के लिए तमाम आभूषण भेजे गए हैं, तमाम बर्तन भेजे गए हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि प्रयाग चित्रकूट से भगवान राम के चरण पादुका आई है। तमाम ऐसे जो भी लोग अपनी आहुति देना चाह रहे हैं बिल्कुल अयोध्या पहुंचा रहे हैं। जी ये बताइए कि अगर बात की जाए तो अयोध्या को कितने जोन में बांटा गया है, और दूसरी चीज, क्या ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ड्रोन ही, हालांकि नहीं, अभी जब दो दिन पूर्व ही इंडिया वाइस की टीम ने अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत किया, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरे अयोध्या को बिल्कुल, आप ये जान लीजिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से बाकायदा चेकिंग की जा रही है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, तमाम बिल्कुल किसी प्रकार की किसी जो बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। वही राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखा रही हैं। पहली तस्वीर अयोध्या के लता चौक की है, जहां सड़कों पर UPATS को उतार दिया गया है। दूसरी तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देश के कोने कोने से ये तस्वीरें हैं, जिसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से ये सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और पहली तस्वीर में UPATS को उतार दिया गया है मैदान में। दूसरी तस्वीर मैनपुरी की है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां 26 जनवरी को लेकर यहां पे जो व्यवस्था है सुरक्षा की, वो चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि 22 तारीख के बाद 26 जनवरी का दिन भी काफ़ी बड़ा है, और ऐसे में दोनों के मद्देनज़र ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है कि जो सुरक्षा व्यवस्था हो उसको पुख्ता किया जाए, क्योंकि काफ़ी VIP लोग आएंगे अयोध्या में 22 तारीख को, इसलिए कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। अयोध्या के लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, व्यवस्थित रहे, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आवास की, स्वच्छता की, सुरक्षा की, दर्शन के अच्छे प्रबंध की, और हर ढंग से सुव्यवस्थित काम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और ये मैंने बताया आपको, जैसे रहने की, खाने की, स्वच्छता की, सुरक्षा की और ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हों, और बड़ी संख्या में राम भक्त आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का लोकार्पण है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये चेकिंग की जा रही है। इसमें हमारे अनुभाग के सभी थाना चौकियों पर ये चेकिंग चल रही है। जिला पुलिस के लोग, RPF के और GRP के सभी स्टाफ इसमें शामिल हैं। डॉग स्क्वाड है, बम डिस्पोजल टीम है, ASF टीम है, और ये चेकिंग लगातार 26 जनवरी तक चलेगी। हाँ, ट्रेनों में भी चेकिंग हो रही है और अन्य जगहों पर भी चेकिंग हो रही है। उसे ये अपील है कि वो अपने आसपास देख लें, कोई लापरवाही सामान तो नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात उनको समझ में आती है या दिखती है तो 139 और 112 जो नंबर हैं उन पर वो सोचें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, पूरे देश में राम में माहौल है। वही राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। CBC इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरा देश में राम में माहौल है और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है राम मंदिर का। विपक्ष विरोध कर रहा है, इस बात की भी परीक्षा करनी चाहिए। BSP ने स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है और कहा है कि मैं आऊंगा, इसलिए। पर विपक्ष में कुछ इंडिया अलायंस के ऐसे नेता हैं जिनको सनातन और हिंदुत्व से स्थायी रूप से नफरत है, जो ये कहते हैं कि मंदिर की घंटी पाखंड है और सनातन डेंगू है। वो लोग अपनी छाती पीट रहे, पर हमने तो सबको बुलाया, प्रधानमंत्री को भी बुलाया और विपक्ष के नेता को भी बुलाया, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया, तो बाकी अध्यक्षों को बुलाया।
अगर बाकी लोग मैदान छोड़ जाएंगे तो जो मैदान में रहेंगे मैदान उनका होगा। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अभी तो मंदिर ही अधूरा है, मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया है, जहाँ पे राम लला विराजना है वो पूरा हो गया है, पर मैंने उनको सोमनाथ जी का चित्र देखना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर नेहरू जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना था, उसका गर्भगृह बना था, बाकी मंदिर नहीं बना था। तब वहाँ शिव जी को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। अभी तो पूरा मंदिर ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है। तो ये था हमारे साथ आलोक जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत की है और पूरी तरह से कहा है कि विपक्ष लगातार झूठ बोल रहा है और मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉयस दिल्ली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, पूरे देश में राम में माहौल है, वहीं राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। सीबीएस इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की है मशहूर गायक और बीजेपी सांसद हंसराज हंस से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरा देश राम में है। हमारे साथ हंसराज हंस जी सांसद मौजूद है। सर 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, 500 साल के इंतजार के बाद ये दिन आ रहा, क्या कहें? सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन देखने को मिला है, शुक्र है मालिक का। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भगवान किसी न किसी को समर्था ताकत बख्शता है, ऊर्जा बख्शता है, तो क्रेडिट ये सारे का सारा उनके नेतृत्व को जाएगा और उनकी पुरजोर कोशिशें रंग लाई है, तो जय श्री राम, शुक्र है। लेकिन सर कुछ लोग विपक्षी लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो जब विपक्षी है कुछ ना कुछ तो करेंगे बेचारे एग्जिस्ट करने के लिए। सर अब अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम ही ले रहा है। जो सुंदरकांड में यानी उसकी फिलॉसफी है उसको जीवन में प्रैक्टिकली अपना ले तो बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हंसराज हंस जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस दिल्ली। खबर नोएडा से है, जहां पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, तो वहीं इस दौरान वकील एपी सिंह मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मनाया और हनुमान चालीसा भी बांटे। खबर गाजीपुर से है, जहां किन्नर पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि थाना नंदगंज पुलिस द्वारा धारा 307 में वांछित एक अभियुक्त, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल, 32 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर हमीरपुर से, जहां कोतवाली पुलिस को गुंडे खुलेआम चुनौती दे रही हैं। बता दें कि बाइक सवार कुछ लोगों ने एक युवक को डंडों से जमकर पीट दिया है, तो वहीं मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं अब कोतवाली पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। खबर महोबा से है, जहां महोबा मुख्यालय में बीते दिनों ताबड़तोड़ हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आज खुलासा किया है। बता दें कि पहले दुश्मन को फंसाने के लिए पीड़ित ने अपनी बुआ के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है, तो वहीं इस सनसनीखेज गोलीकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर के सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद की स्वार सर्विलांस और शहर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज डीसीआर सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर जब खुलासा किया तो सभी हैरत में पड़ गए। तो वही पंजाब के जिला फिरोजपुर में गुंडागर्दी और लूटपाट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ताजा मामला फिरोजपुर के गवाल मंडी के सामने से आया, जहां एक गरीब परिवार के घर में गुंडागर्दी का तांडव देखने को मिला। बता दें कि घर में बेटी की शादी थी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हुई थी, घर में जेवर आदि भी पड़े हुए थे, लेकिन सरेआम हमलावरों ने पहले मारपीट की, इसके बाद सोने के गहने और पैसे लेकर भाग गए। खबर चंदौली से है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। बता दें कि शीतलहर एवं ठंड पड़ने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे विद्यालय 20 जनवरी 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।